कमर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए नीम गर्म दूध में सौंफ डालकर पिए। हृदय में तेजाबीय जलन हो या मुंह में छाले हो तो उबली हुई चावल खाओ। चेहरे की झुर्रियां छाइयां गैप करने के लिए अंडे की सफेदी बेहतरीन चीज है। ज्यादा जमाइयां लेने से आपके बदन में कमजोरी पैदा हो जाएगी। रात को देर से खाना खाने से मैदे में सूजन आ सकती है। घर से चूहों को भगाना है तो घर में एक करेला काट कर रख दे, चूहे खुद ब खुद भाग जाएंगे। जो इंसान ज्यादा बाएं जानिब होकर सोता है उसको दिल की बीमारी हो जाती है। रात को सर के पास पानी का गिलास भरकर रखने से सांस की बीमारी नहीं होती। नीली मछली का दिल का साइज एक छोटी गाड़ी के बराबर होता है और इस मछली में इतनी जगह होती है कि आम इंसान इसमें तैर सकता है। जमीन में रहने वाले जानवरों में से मच्छर वो जानवर है जिसने किसी दूसरे जानवर के मुकाबले में सबसे ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। वह अपना सर काटने के बाद भी 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। एक मरतबा छींकने पर 1 सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। मई में पैदा होने वाले बच्चों का वजन बाकी महीने में पैदा होने वाले बच्चों की नस्बत 200 ग्राम ज्यादा होता है। दानों के मुताबिक ठंडा पानी गर्म पानी से कुछ ज्यादा हल्का होता है। जमीन का वजन 6200 मिलियन टन है। इंसान जब पैदा होता है तो उस वक्त उसकी हड्डियां 350 होती हैं। जब तक ये जवानी तक पहुंचता है तो इसकी हड्डियां 206 रह जाती हैं। इसकी वजह यह है कि वो सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। खला में खलाबाज रो नहीं सकता क्योंकि के वहां कशिश स्किल कम नहीं होती। आबादी के लिहाज से आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। खाने के बाद खट्टी डकारे मैदे पर बोझ गैस हाजमा खराब हो तो खाना खाने के बाद बस एक चुटकी पीसी हुई लौंग फांक लिया करें। चंद दिनों में मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हाजमा भी लाजवाब हो जाएगा। अगर ठीक दोपहर के वक्त जिसे जवाल कहते हैं बावजू बैठकर 41 मरतबा या रहमानु पढ़कर पानी पर दम करें। जिसकी आंखें दुखती हो नजर कमजोर हो उसमें सिलाई तो करके दुखती आंखों 7-7 मरतबा लगाएं। 3 दिन इस अमल को करें इंशाल्लाह 3 दिन में ही आंखें ठीक हो जाएंगी और फिर साल भर नहीं दुखेंगी। पेशाब करके फौरन पानी मत पिया करें वरना पेशाब पिलाएगा। चलते हुए कभी रोटी मत खाएं वरना मैदा सुकड़ जाएगा। नहा कर कभी आंखों में सुबह मत लगाएं वरना बिनाई कम हो जाएगी। हंसने से वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। पखाना के फौरन बाद रोटी मत खाया करें वरना बवासीर लग जाएगी। आधी रात को उठकर कुछ मत खाएं वरना पेट में पानी भर जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बीच सऊदी अरब में है, कोई सिनेमा भी नहीं है। अगर बैठे बैठे ब्लड प्रेशर कम होना महसूस हो तो टांग के ऊपर टांग रख लें। इस तरीके से खून की गर्दिश तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। रात के वक्त चॉकलेट मिठाइयां मत खाएं, इससे आपकी नींद मुतासर होगी और आपका ब्लड शुगर भी बढ़ने के खतरात होंगे। आमतौर पर मिलने वाली नींद की मकदार कम हो जाती है। अगर आपको सोने से पहले सोने की आदत है तो ये जहीन होने की लामत है। आम लोग बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं जबकि जहीन लोगों का दिमाग हर वक्त चलता रहता है और वो बिस्तर पर भी बातें सोचते रहते हैं। गुलाब का गुलकंद खाने से याददाश्त में इजाफा होता है। शहद को गर्म करने के बाद नहीं खाना चाहिए और बुखार में भी शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और शायद आप अपने आप को कोसते भी रहते हैं लेकिन ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना जहीन लोगों की अलामत है। होंठों को गुलाबी बनाने के लिए ताजा दूध की बलाई होंठों पर मले, इससे आपके होंठ मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। पेट दर्द की फौरी निजात के लिए मूली रस्मी नमक और स्याह मिर्च डालकर पिलाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पालक खाने से आंखों की सेहत अच्छी होती है। अगर कोई शख्स कम बोलता है लेकिन तेज बोलता है तो उसका मतलब है कि वो बहुत सारी और राज जानता है। 90% लोग मोबाइल मैसेज पे वो बातें लिखते हैं जो वो नहीं खुद नहीं कह सकते। सर्दियों में पांव रजाई से बाहर निकाल कर सोती हूँ, जब खड़े होते हूँ तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। थोड़ा सा चल या सीढ़ियां चढ़ने से दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो जाएगा। तो नाफ में तेल लगाएं और साथ ही रात को सोने से पहले पांव की उंगलियों पर तेल का मसाज करें। ये ना सिर्फ इन अमराज का इलाज है बल्कि आपको सुकून भी रखता है। आम और लसूड़े का अचार खाने के बाद पानी पीने से जुकाम नजला खांसी का खस्ता अंदेशा होता है। रात सोने से कबल कमरे में नीले रंग का बल्ब जलाया जाए, ऐसा करने से मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होते।
रोटी पकाकर रोटी के बर्तन में एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रख दें। इससे सारा दिन रोटियां नरम और मुलायम रहेंगी। सोने से पहले फल नहीं खाना चाहिए, क्यों ना कि ये खाने का सबसे बुरा वक्त है। इसको खाने से आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। कान में अचानक दर्द हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। दूध और गोश्त एक साथ हरगिज ना खाएं, ऐसा करने से मैदे में अल्सीर के खदशात होते हैं। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले एक चुटकी कच्चे चावल के दाने फांक लेने से जिगर मजबूत होता है। कोई भी चीज कड़ाही में तलते हुए कुछ नींबू के कतरे डाल दें, ऐसा करने से तली हुई चीज भी कम जूस होगी। बगलों में पसीने की शिद्दत को कम करने के लिए नहाने के बाद बगल में फटकड़ी का टुकड़ा फेर लें और फिर पानी बहा दें, मसला दूर हो जाएगा। शहद, गुलाबकारक, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर दानों वाली स्किन पर लगाएं, दाने खुश्क हो जाएंगे। रुई को पेट्रोल में डुबोकर शीशे को साफ करने से शीशा एकदम नया और चमकदार हो जाता है। अगर घर में चूंटियां ज्यादा हैं तो उसी जगह पर सूखा आटा डाल दें, चूंटियां चली जाएंगी। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। चावल पकाते वक्त अगर देख के नीचे तले में थोड़ी सी दही लगा दी जाए तो चावल नीचे से लगेंगे नहीं। हमेशा खुश रहा करो, कुना के ये बेहतरीन इंतकाम है इन लोगों के लिए जो आपको उदास देखना चाहते हैं। बालों की सफेदी दूर करने के लिए रोजाना जैतून का तेल लगाया करें, एक दो हफ्ते में फर्क नजर आ जाएगा। ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से मैदा कमजोर हो जाता है। अगर पाँव में दर्द रहता हो तो रोजाना अंगूठे पर सरसों के तेल से मसाज करो, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। सर दर्द का मसला हो तो पालक खाने से आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। पेशाब आपको 10 घंटों से ज्यादा रोकने से पेशाब की नाली फटने का खतरा है। गरम गरम खाना खाने से दांतों के ऊपर स्याह दाग धब्बे पड़ जाते हैं। खट्टे डकार आते हो तो कच्चा अंगूर खाने से डकार आना बंद हो जाएंगे। जिन औरतों के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो वो अजवाइन ना खाएं, इससे जिगर में सूजन का प्रॉब्लम हो सकता है। बांझ औरत टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करें, 2 माह के अंदर हमल ठहर जाएगा। जरूरत से ज्यादा सोना इंतहाई खतरनाक है। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करें, कई सालों तक झुर्रियां नहीं आएंगी। पानी में अरके गुलाब डालकर नहाने से कभी बदन में वो नहीं आएगी। अगर आप असाबी तनाव का शिकार हैं तो सुबह के वक्त दार चीनी चबा लिया करो। फूल मखाने रोस्ट करके इनको लैक्सी में डालकर शामिल करें। और फूल मखानों की लैक्सी ना सिर्फ खाने में जायकादार होती है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन मुफीद है। काला नमक चाटने से गला कभी खराब नहीं होगा। गाय का दूध दिमाग को ताकत देता है, चेहरे का रंग निखारता है और बदन को खूबसूरत बनाता है, सेहतमंद बनाता है। हजमी हो जाए तो अनानास की फाड़ियां कर लें और काली नमक मिर्च छिड़क दें, इसके बाद आंच पर गर्म करके खा लें, बद हजमी दूर हो जाएगी। शहद वो वाहद खुराक है जो कभी खराब नहीं होती। ज्यादा घी वाली चीजों के इस्तेमाल से गले का इन्फेक्शन होता है। ठंडे पानी से मुंह धोने से मुंह की जिल्द खराब हो जाती है। भूखे पेट खट्टी चीजें खाने से ग्रेस किया करो, इससे मैदे के अंदर जख्म बन जाते हैं। जिन लोगों को शुगर का मसला हो वो सुबह निहार मुंह कद्दू की 4 से 5 बीज खा लिया करें, इससे आपको शुगर से निजात मिल जाएगी। जिन लोगों को जिस्म में दर्द रहता हो वो फूल मखाने को दूध में पकाकर खा लिया करें, इससे इनका जिस्म का दर्द खत्म हो जाएगा। जो लोग आलू की चिप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इनके जिस्म पर मैल भर जाती है और चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इन औरतों के चेहरे पर फालतू बाल निकल आते हैं, वो पानी में फटकड़ी मिलाकर इसको मिक्स कर लें और अच्छी तरह से चेहरे पर मसाज करें, फालतू बाल खत्म हो जाएंगे। गुसलखाने में अगर जंग के दाग लग जाए तो कपड़े को सिरके में डुबोकर फर्श पर रगड़ें, जंग के दाग उतर जाएंगे। जिन्हें सूखी खारिश हो, दिमाग का मसला हो, वो लोग सुबह के वक्त पानी के साथ 1 चम्मच खशखाश खा लिया करें। अगर बढ़ती हुई वजन से तंग है तो कद्दू का जूस बनाकर पिए, वजन कम होने लगेगा। अगर किसी फल वाले दरख्त की घड़ों में गड़ा खोदकर उसमें गुड़ डाल दिया जाए तो उस पर मीठे फल लगते हैं। अगर सालन बनाते वक्त शोरबे के ऊपर तेल ना आ रहा हो तो सालन में 1 चम्मच मेथी डाल दें, तेल ऊपर आ जाएगा। बवासीर खत्म करनी है तो मेहंदी के पत्ते पीसकर पानी के साथ बवासीर वाली जगह पर लगाएं। कोई आफत आ जाए तो फौरन सदका निकाल दो, आफत जैसी आई होगी वैसे ही वापस चली जाएगी। जो शख्स ये चाहे कि उसका दांत खराब ना हो, उसको चाहिए कि मीठी चीजें खाने से पहले रोटी का सूखा टुकड़ा खा लिया करे। अगर आपको कोई बात याद ना आ रही हो कुछ देर के लिए ये सोचें कि मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं।
कुछ देर में ही याद आ जाएगी। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो इसके बाद आप अपना चेहरा आईने में देखें, इससे आपका गुस्सा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अगर आपको ख्वाब में भूत नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको नई दोस्ती या रिश्ता शुरू करते हुए होशियार रहना होगा। औरत को अगर मनपसंद शख्स मिल जाए तो उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, और अगर मर्द को मनपसंद औरत मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाता है। मियां बीवी में फूट जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत होती है। बहुत अजीम है वो मियां बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीके हाथ की भलाई नहीं करते। शोहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। दुनिया में अगर आपको अच्छी बीवी अल्लाह ने दी है तो समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं। वो औरत कभी खुश किस्मत नहीं होती जिसके पास दुनिया की सारी ऐश और इशरत हो, बल्कि खुश किस्मत औरत वो होती है जिसके पास अपने शोहर की सच्ची और पाक मोहब्बत हो। मियां बीवी का रिश्ता इतना कीमती है कि अगर कोई एक बीमार हो जाए तो दूसरे की रातों की नींद उड़ जाती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी खिदमत करते हैं। वक्त और बीवी तंग तो करते हैं मगर जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। एक औरत का प्यार हासिल करने के लिए दौलत मायने नहीं रखती, सोच से बढ़कर उसको प्यार और इज्जत देनी पड़ती है। औरत को ऐसे मर्द की जरूरत होती है जो उसे बच्चों की तरह डील करे, उसकी बचकाना हरकत को बर्दाश्त करे, सबसे जरूरी उसे मनाने का हुनर आता हो। मन चाही औरत की तवज्जो थके हारे मर्द के वजूद में जान डाल देती है। ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। औरत दुनिया की वो वाहद मखलूक है जिससे प्यार भी करो तो वो डर जाती है। अपनी बीवी को कभी दुख ना दें, क्यों ना कि बीवियों की दुनिया बहुत ही छोटी होती है, शोहर से शुरू होती है और बच्चों पे खत्म हो जाती है। हम सफर अगर बिला वजह नाराज होने लगे तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की जरूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। औरत के बारे में मशहूर है कि तुम उसे खूबसूरत कहो तो वो खूबसूरत होती चली जाएगी, तुम उसे अच्छा कहो वो अच्छी होती चली जाएगी, तुम उसे हंसकर कुर्बानी मांगो वो देती जाएगी, मगर जब उसमें ऐब निकालते हो, छोटी गलती को बड़ा बनाते हो, उसके लिबास खाने रोजमर्रा के कामों में ऐब निकालते हो तो तुम उसे दिन ब दिन ऐबदार करते जाओगे। औरत की जिंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज है तो वो है उस शोहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत। मर्द का हुसन और पैसा औरत को इतना मुतासर नहीं करता जितनी मर्द की सीरत और पकीजगी मुतासर करती है। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें लड़की की उम्र लड़के से चंद साल ज्यादा हो। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं बल्कि बीवी की फिक्र और परेशानी को कम करना है। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो तीन काम करता है, अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पे उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने करता है। शोहर का कंधा बीवी के लिए ऐसी जगह है जहां सारा का सारी फरमाइशें मनवाई जा सकती हैं। मर्द की कामयाबी के पीछे माँ के सिवा कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती, क्यों ना कि दूसरी औरत एक कामयाब मर्द को ढूंढती है। शोहर अगर मुखलिस हो तो बीवी ससुराल में हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त कर लेती है। बीवी की इज्जत हया और फिक्र करने वाले मर्द की तरबियत एक बेहतरीन माँ के हाथों से होती है। वो झोंपड़ी जहाँ औरत मुस्कुराती है इस आलीशान महल से बेहतर है जहाँ औरत रोती है।
शोहर अपनी बीवी को हाथ से खाना खिलाता है तो ये बीवी की गुलामी नहीं, रसूले अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक मर्द की आधी खूबसूरती उसकी जबान में होती है और आधी उसकी वफा में। अगर किसी जगह एक से ज्यादा कतारें हों, ऐसी सूरत में आप एक कतार छोड़कर दूसरी में जाकर खड़े हो तो पहले वाली कतार तेजी से चलना शुरू हो जाती है। दूध उबालते वक्त जितनी देर मर्जी खड़े रहें दूध नहीं उबलेगा, जैसे ही एक मिनट के लिए इधर उधर होते हैं दूध उबल कर बाहर आ जाता है। कोई मशीन मरम्मत करते हुए जब आपके हाथ तेल या ग्रीस से भर जाए तो आपकी नाक पर फौरन खुजली होना शुरू हो जाती है। अगर आपने एक से ज्यादा चीजें हाथ में उठा रखी हैं तो हमेशा कीमती और नाजुक चीज ही जमीन पे पहले गिरेगी। जब भी रॉन्ग नंबर डायल हो जाए तो कभी भी मसरूफ नहीं मिलता। नफ्सियात कहती है जब आप अपने मसाइल लोगों को बताते हैं तो 20% लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं होती, जबकि 80% लोग खुश होते हैं कि आप मसाइल में फंसे हुए हैं। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर इत्माद करने की राह में रुकावट बन जाता है। मर्द की फितरत है, इसे मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से ताहट होने लगती है। इंसान जो बातें बार बार सुनता है उसका दिमाग उन पर यकीन करना शुरू कर देता है, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। जो लोग ज्यादा देर तक तन्हा रहते हैं वो बहुत जल्द मर जाते हैं। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आपके पास 7 सेकंड होते हैं दूसरे इंसान को मुतासर करने के लिए। जिसके दोस्त कम होते हैं वो ज्यादा ज़हीन होता है और उसकी सोच भी दूसरों से मुख्तलिफ होती है। हम बहुत ज्यादा तवज्जो करते हैं इस शख्स पर जो हमें नज़रअंदाज करता है। किसी भी इंसान को गलत काम करने का अफसोस नहीं होता बल्कि उसे पकड़े जाने का डर होता है। जिस दिन आप अपने बालों को शैम्पू करते हैं उस दिन आप ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। खुद गर्ज लोग अपनी कामयाबी के बारे में बहुत बातें करते हैं। नफ्सियात कहती है अगर आप ख्वाबों में उड़ते हैं तो आप तकलीकी असलियतों के मालिक हैं। बहुत ज्यादा खुश रहने वाले लोग अगर कम भी सोएं तो इनकी जिस्मानी सेहत डाउन नहीं होती। वो लोग जो अपने जज्बात को छुपाते हैं वो आम तौर पर सबसे ज्यादा परवाह करने वाले होते हैं। आप जिसे प्यार करते हैं उसके पास होना ना सिर्फ डिप्रेशन को कम करता है बल्कि ये आपको तवील अरसे तक जिंदा रखने में मदद देता है। अच्छा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। काजू खाना शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है और ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। दूध की बलाई में थोड़ी हल्दी और अरके गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगाएं तो रंग साफ हो जाता है। ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कान से पी पाने का सबब बनता है। तरबूज ऐसा फल है जो फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है। परिंदे का दुनिया से खत्म होना अमन खत्म होने की निशानी है। चेहरे का रंग खराब होने लगे तो नींबू का अर्क लगा कर सो जाओ। नारियल खाने से और नारियल का पानी पीने से दिमाग तेज होता है। जिल्द की कोई बीमारी हो तो आलू बुखारा इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त मुंह से पानी निकलता हो तो जामुन का इस्तेमाल करें। तलाक की एक बड़ी वजह गंदगी और नापाकी है। आटा गूंथते वक्त नमक ज्यादा चला जाए तो आटे में अकलाब का एक कतरा डाल दें, आटा नॉर्मल हो जाएगा। जैतून के तेल का एक कतरा नाक में डाल दिया जाए तो दिल की धड़कन कंट्रोल रहती है। इमली के पानी से बाल धोने से बाल लंबे हो जाते हैं। जो शख्स दोपहर के वक्त काले नमक वाला पानी पी लेता है उसका सारी जिंदगी जिगर खराब नहीं होता। जो लोग अपने दांतों की हिफाजत करना चाहते हैं वो कच्चे फल खाने से गुरेज किया करें। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से बदन में बीमारियां जन्म लेती हैं। सब्ज मिर्च कच्ची खाओ, नजर तेज हो जाएगी। लहसुन के रस में नमक डालकर पी लेने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। मक्खन होंठों पर लगाने से होंठ नहीं फटते। रोटी की चूरी बनाकर खाने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है और पेट की तुन नहीं निकलती। अगर आप रोजाना केला खा लिया करें तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। हंसने से वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। सुबह एक सेब आपको चाय के मुकाबले में ज्यादा बेदार करता है।
तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। बहुत ज्यादा गुस्सा हार्ट अटैक या फालिज का बायस बन सकता है। पूना के गुस्से में रगों पर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आपको बहुत जोर से छींक आए तो आपकी मछली टूट सकती है। नींबू के पानी का माथे पर मसाज करने से सर दर्द उतर जाता है। खारिश वाली जगह पर कपड़ों वाला साबुन लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। किचन में चाक के टुकड़े रखने से चूंटियां और कीड़े किचन में दाखिल नहीं होते हैं। चाय में उबाला हुआ अंडा खाने से बीमारियां पैदा होती हैं। खाने से पहले थोड़ा सा नमक चख लेने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। तारेबीन का तेल सांग वाली जगह पर लगाने से जांग उतर जाता है। नींबू को नीम गर्म करके निचोड़ने से रस ज्यादा निकलता है। फ्रिज में एक कोयले का टुकड़ा रख देने से सब्जियों और फलों की बू फ्रिज से नहीं आती। दूध में नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे का मसाज करने से छाइयां नहीं पड़ती। अगर बिला वजह मुंह से बू आ रही हो तो आपका मैदा खराब है। गर्म पानी में शहद डालकर पीने से पेट की चर्बी कम होती है। शहद में नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत साफ हो जाते हैं। सुबह के वक्त नींबू काटकर चूसते रहो, होंठ हमेशा गुलाबी रहेंगे। नहाते वक्त नींबू का छिलका कूनी पर मसलने से कूनी की मैल उतर जाती है। नींबू पानी पीते रहने से चेहरे पर छाइयां नहीं पड़ती। अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो चूने के पानी में शक्कर घोलकर जली हुई जगह पर लगाने से जलन खत्म हो जाती है। प्याज का एक कतरा कान में डालने से दर्द में कमी आती है। अगर बुखार बहुत ज्यादा हो तो चारों हाथों पांव पर रुमाल सहाने से बुखार उतर जाता है। अगर बहुत तेज बुखार हो तो बकरी का दूध हाथों और पैरों पर लगाने से बुखार उतर जाता है। जिस जगह पर पुदीने की खुशबू वहां पर मक्खियां बिल्कुल नहीं आती। अगर सालन में प्याज डालते वक्त साथ में थोड़ा सा दूध डाल दें तो प्याज की बू खत्म हो जाती है। केक बनाते वक्त अगर इसमें अंडों की बू आती हो तो एक चम्मच शहद डाल दें, अंडों की बू नहीं आएगी। भिंडी पकाते वक्त अगर इसमें नींबू के कतरे डाल दें तो भिंडी साख्ता बनती है। सब्जी को तलने के बाद अगर इसमें तेल ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाएगा। अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो उस हिस्से पर नींबू और नमक रगड़े और फिर साबुन से धोएं, उतर जाएगा। अगर चांदी का सेट काला पड़ गया है तो इस पर टूथपेस्ट मलने से चांदी दोबारा से चमक उठेगी। कटे हुए नींबू पर नमक लगाकर किसी चकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ने से चकनाहट फौरन दूर हो जाती है। कच्चे आम के टुकड़े पानी में उबालकर इसे पानी को करेलों की सब्जी में डालने से करेलों की कड़वाहट खत्म हो जाती है। आटा गूंथते वक्त अगर इस पे एक चम्मच देसी घी डाल दिया जाए तो आटे पे पिपड़ी नहीं आती। अगर सालन पतला हो जाए तो थोड़ी सी सूजी भूनकर सालन पर डाल दो, सालन फिर से गाढ़ा हो जाएगा। खाना पकाते वक्त अगर मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के पास रखी जाए तो खाने की खुशबू किचन से बाहर नहीं जाती। करेलों को लंबाई की रुख में काटने से इनकी करवाहट खत्म हो जाती है। जिन्हें हार्ट अटैक का मसला हो वो रीछ के बाद रात को सर के पास रखकर सोया करें। अगर दिमाग कमजोर हो तो ऊंट के गोश्त में दही मिलाकर खाओ। हफ्ते में एक बार बतख का अंडा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। शाम का खाना सूरज गुरूब होने के बाद खाने से सेहतमंद रहता है। इंसान अंडे की सफेदी नहार मुंह खा लेने से कभी शुगर का मसला नहीं होता। चकंदर दही में मिलाकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। तोरी का सालन खाने से निमोनिया बुखार उतर जाता है। कच्चा केला दूध में डालकर खाने से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है। अगर गला बैठने लगे तो काला नमक चाट लिया करो। गेंडे के फूल की खुशबू सूंघने से भूलने की बीमारी नहीं होती। बदन की कमजोरी हाजमे वाले अफराद के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। रात के वक्त ज्यादा सोचने से आपकी नींद बेहद मुतासर होगी। रोजाना चाय पीने की आदत आपको मोटा जल्दी कर देती है। बकरी के दूध के अंदर सौंफ मिलाकर पी लो, बुखार उतर जाएगा। इसका पेट ज्यादा भर रहा हो तो जान लो कि वो जल्दी दिल की तकलीफ में मुंतकला हो जाएगा। कमी का मसला हो तो ऊंटनी का दूध पी लिया करो। सोते वक्त आपकी आंखों से आंसू आते हों तो ये दिमाग की कमजोरी की लामत है। नहाने से कबल आपको पेशाब आ जाए तो ये मैदा और पसाना कमजोर होने की निशानी है। दही में अदरक और अरके गला मिलाकर चेहरे पर लगा लो, सालों पुरानी झुर्रियां गायब हो जाएंगी। मुसलसल परेशान रहने से आपकी जल्द पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। ठंडा पानी इस्तेमाल करने से हाजमा मुतासर होता है।
और हड्डियों की कमजोरी का सबब बनता है। किसी हुई हल्दी में पानी शामिल करके गैर जरूरी बालों पर लगाओ, खुश्क हो जाए तो रगड़ कर उतार दो, गैर जरूरी बाल खत्म हो जाएंगे। जो बंदा बादाम को अपनी गजा में शामिल कर लेता है वो दिल और शुगर का मरीज कभी नहीं होता। जो बंदा मैदे की तकलीफ से बचना चाहता है वो खाने के दरमियान पानी ना पिए। जो बंदा ये चाहता है कि बदन हल्का फुल्का रहे, ज्यादा मोटापा ना चढ़े, तो ज्यादा गोश्त ना बढ़े, वो रात का खाना कम कर दे। पानी तमाम बीमारियों के लिए फायदेमंद है, इसका कोई नुकसान भी नहीं। कामयाब होने की कोशिश ना करें बल्कि कीमती बनने की कोशिश करें। जहन ख्यालात पर बहस करते हैं, उस जहन वाकयात पर बहस करते हैं, छोटे दिमाग लोगों पर बहस करते हैं। तारीखी अंधेरे को नहीं निकाल सकती, सिर्फ रोशनी ये कर सकती है। नफरत नफरत को नहीं निकाल सकती, ये सिर्फ मोहब्बत ही कर सकती है। अब तक की सबसे बड़ी दरियाफ्त ये है कि इंसान मुखलिस अपना रवैया बदल कर अपना मुस्तकबिल बदल सकता है। एक का दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता, क्यों ना कि वो हर किसी के साथ मतलब के लिए दोस्ती करता है। भूत दुश्मन पर काबू पा लेता है, अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। उसको बहादुर समझता हूँ जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता है, चाहे इसके कि जो अपने दुश्मन को फतह करता है। ना कि सबसे मुश्किल काम खुद को फतह करना है। कोई भी नाराज़ हो सकता है, लेकिन सही शख्स से सही हद तक सही वक्त पर सही मकसद के लिए और सही तरीके से नाराज़ होना ये हर किसी के इख्तियार में नहीं। आज़ाद सोच रखने वाले बने, जो कुछ भी आप सुनते हैं इसे सच समझ के कबूल ना करें। खुशियों में सबसे बड़ी खुशी किसी चीज़ को सीखने में है। जो आसानी से धोखा खा जाते हैं, क्यों ना कि वो जल्दी उम्मीदें रखना शुरू कर देते हैं। दिमाग वाला आदमी किसी से तल्लक नहीं तोड़ता, क्यों ना कि जख्मों को याद रखना अजीम इंसान की निशानी नहीं। ज़िंदगी का मकसद क्या है? दूसरों की खिदमत करना और नेकी के काम करना। लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से तल्लक रखते हो। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लेना, क्यों ना कि मुश्किल वक्त चार दिन का और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजुर होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, इस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी, और अच्छी बात बताना भी सदका है। के खलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो। किसी दिन तुम खलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। बाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। जानवर इंसान में क्या फ़र्क है? जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान। बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफ़ों की आदत है। को अपने ऊपर गालो मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिलेगा। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। ये है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। खुशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पर जब इख्तलाफात ज़्यादा हों और आवाज़ें बुलंद हों, की कमी हो और दलाइल की कोई औकात ना हो। हमेशा हक से बात करो। आगे इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, ज़बान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ ज़बान से, दिल से नहीं। इंसान हमेशा गम में मुंतकला रहता है जो अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है। ज़िंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। हज़रत
अली से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है, फरमाया जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। जाहिल ना तो अपनी कमजोरी को समझता है, ना ही नसीहत करने वालों की बातों को कबूल करता है। रिश्तेदारों की अदावत बिच्छू के डसने से भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? फरमाया, कोई अपना हो तो वो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। पैसे का होना रिस्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। और तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। सेहत दूसरों के हाल पर गौर करने से अफजल होती है। गुरबत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। हालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। गुस्सा जब आता है तनहा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, इखलाक और खूबसूरती को भी ले जाता है। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। जब रिस्क में कमी वाक़ होने लगे तो कसरत से अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया करो। शख्स की दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफ़िक कोई नहीं, क्यों ना के दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज़ करो, क्यों ना के वो तलवार की तरह देखने में खूबसूरत और असर में ख़तरनाक है। दूसरों का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंखों से ना निकले। में कोई पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्यों ना के तुम वो खुश नसीब हो जिससे अल्लाह ताला ने आजमाइश के काबिल समझा है। दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत के होते हुए माफ़ करना अफजल तरीन नेकियों में से एक नेकी है। किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। आंखें नफ्स की पसंदीदा चीज़ें देखने लगे तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। जिस कदर शरीफ की इसलाह करती है, इतनी ना ही कमीने को बिगाड़ देती है। मुसीबत के वक्त भी मुतमिन नजर आओ और मुश्किलात के बावजूद खुशबाश रहो। खुद मुलाजम हैं तो यकीनन आपके बच्चे भी मुलाजमत को ही तरजीह देंगे, इसलिए अपने बच्चों को विरासत में कारोबार दीजिए, नौकरी नहीं। नफसियात कहती है कि नाराज और तल्ख रहना आपको जहनी तौर पर तबाह कर देता है और ऐसा रहने से आपका हाफला और जिंदगी मुख्तसर हो जाती है। हालात और वक्त की तब्दीली से बदलने वाले तल्लक से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। मोहब्बत में किसी गैर से राय लेना हराम है। लोगों को राजी करना एक ऐसा मकसद है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। नफसियात कहती है कि कभी भी किसी को दुख मत दो, क्यों ना कि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द जरूर होता है। जापानी खवातीन हल्ला गुल्ला करने वाली होती है। अरब खवातीन की ज्यादा तादाद खामोश तबाह होती है। नॉर्वे की औरतें ज्यादा सख्त मिजाज होती हैं। जनूबी अफ्रीका की खवातीन नरम मिजाज होती हैं। खेलों में ज्यादा दिलचस्पी लेने वाली खवातीन का तल्लक बरतानिया से है। अमेरिका में खवातीन सबसे ज्यादा नौकरी वाली पेशेवर हैं। भारतीय खवातीन ज्यादातर चुगलखोर होती हैं। शोहरों की सबसे ज्यादा पिटाई इटली की खवातीन करती हैं। घूमने फिरने वाली आदत फ्रांसी औरतों के लिए मशहूर है। स्कॉटलैंड की खवातीन दीगर मुल्कों की खवातीन के मुकाबले में ज्यादा कंजूस होती हैं। पाकिस्तानी खवातीन फजूल खर्ची करने में माहिर होती हैं। जैसे मर्दों को जुबान दराज बीवी पसंद नहीं होती, इसी तरह औरतों को भी बुलंद आवाज में चीखने वाले और बेइज्जती करने वाले मर्द पसंद नहीं होते। जिस औरत में देखो कि वो हर वक्त खामोश और नजरें झुकाए हुए हैं तो समझ जाओ वो मोहब्बत की तलाश में है। इसे अपना लो, हमेशा खुश रहोगे।
घनी मूंछें, लंबा कद, पेशा, शानो शौकत, खूबसूरत मर्द में ये सब औरत की तरजीहात नहीं। औरत अच्छी गुफ्तगार और इज्जत देने वाले मर्द की तरफ जल्दी रागब हो जाती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपकी नजरें अपने आप उसके पास पहुंच जाती हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक बिजी कोई नहीं होता, जहां सच्चा प्यार होता है वहां लोग बिजी होकर भी टाइम निकाल लेते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक अपने महबूब से इस वक्त बात ना करें जब वो अपने दोस्तों के साथ हो, क्यों ना के इस वक्त उसका रवैया बिल्कुल अलग होगा। साइकोलॉजी के मुताबिक लड़के जिस लड़के से प्यार करते हैं इसे अपने खानदान से नहीं मिलवाना चाहते, वो इसे छुपा कर ही रखते हैं, जबकि लड़कियों के मामले में ये उल्ट होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो कभी आपको खोना नहीं चाहेगा, हार नहीं मानेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। साइकोलॉजी के मुताबिक जो शख्स आपको पुरकशिश लगता है वो बहुत मुश्किल है कि आप उसे कायल करने के लिए झूठ बोल पाए। साइकोलॉजी के मुताबिक हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे मनसलूक कोई चीज देख ले तो हम उसके ख्यालों में खो जाते हैं और किसी काम में भी हमारा मन नहीं लगता। मनपसंद शख्स इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया होता है। चाहना गलत नहीं होता, चाह कर भी छोड़ देना गलत है। मोहब्बत झूठी सच्ची नहीं होती, लोग झूठे सच्चे होते हैं। इस औरत से ज्यादातर खूबसूरत कोई नहीं जो अपने रब को राजी करने और अपने खावंद की इज्जत के लिए पर्दा करती है। दिखाने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं मगर इनको सुकून नसीब नहीं होता। अगर आप अभी तक किसी ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी बदल डालेगा तो आईना देखें। जो लोग तनहा पसंद होते हैं ऐसे लोग ज्यादा खुशबास रहते हैं। जिनके दिल में मकाफात अमल का खौफ हो वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। खूबसूरत या बदसूरत सिर्फ औरत होती है, मर्द नहीं। मर्द सिर्फ अमीर या गरीब होता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई तुम्हारी कमी महसूस नहीं कर रहा, तुमने उससे कुछ दिनों से बात नहीं की, या तुम उससे कुछ दूर हो, या उसकी जिंदगी में तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो छोड़ दे, कोई फायदा नहीं ऐसे रिलेशनशिप का। औरत की सबसे कीमती चीज उसकी चाहे जाने का एहसास या ख्वाहिश है। वो सब कुछ सह लेने का जिगर रखती है मगर कोई इसकी मोहब्बत या वफा को नजरअंदाज कर दीजिए उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है। शादीशुदा औरत जब किसी मर्द को पसंद करने लगती है तो ये तीन काम लाजमी करती है। इस मर्द के सामने अपने शोहर की बुराइयां करना, इसके सामने बनठन के आना, उसके साथ तनाई में मुलाकातें करना। साइकोलॉजी के मुताबिक कोई भी इंसान मोहब्बत करने से नहीं डरता बल्कि इस बात से डरता है कि किसी गलत शख्स से मोहब्बत ना हो जाए। साइकोलॉजी के मुताबिक बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है तो वो ज्यादा उसके आसपास या उसके दोस्तों से और ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी कहती है कि आप सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले जिस काम या इंसान के बारे में ज्यादा सोचते हैं आप उसे दिल से प्यार करते हैं। नफ्सियात के मुताबिक जब आप किसी से दिल से मोहब्बत करते हैं तो आप हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं भले वो आपके साथ हो या ना हो। ज्यादातर सिंगल वही लोग रहते हैं जो किसी एक इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जो लोग रोज आपको मैसेज करते हैं वो फालतू या लालची नहीं होते बल्कि उनमें आपके करीब रहने की चाहत ज्यादा होती है। हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अलग हो लेकिन वो ये नहीं जानती कि सबसे अलग होने का मतलब क्या है। लड़कियों के मुकाबले में लड़कों को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक आप किसी भी काम को करते वक्त इतना खुश नहीं होते जितना बाद में उसको याद करके होते हैं। ज्यादातर उसी इंसान को आप तेजी से रिप्लाई करते हो जिसे आप ज्यादा पसंद करते हो। बिजी रहने वाले लोग खाली रहने वाले लोगों की निस्बत बहुत ही कम डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें के खाली माइंड में डीप थ्रोट ज्यादा आते हैं। लोगों की नजर सबसे पहले आपके जूतों पर पड़ती है, उसके बाद आपके चेहरे पर। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं इनके अल्फाज की कदर इतनी ही कम होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक आप खुद को शीशे में देखते वक्त जितने ज्यादा अच्छे लगते हैं बाज दफा आप लोगों को उससे तीन गुना ज्यादा प्यारे लगते हैं। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। नफ्सियात के मुताबिक कोई भी इंसान अपने हाथ से गला घोंट कर जान नहीं दे सकता, क्यों ना के अपने आप को गला दबा के मारना पॉसिबल ही नहीं।
नफ्सियात के मुताबिक हमारे रिश्ते इस वक्त मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरों की गलतियां माफ करके फिर से उनकी इज्जत करने लग जाते हैं। आपको सॉरी हमेशा वो इंसान बोलता है जिसके लिए आप उसकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कोई इंसान आपके सामने किसी की बुराई करता है तो ये तय है कि कहीं ना कहीं वो दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करता होगा। जब किसी इंसान को धोखा मिलता है तो वो उससे बहुत कुछ सीख जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीखा होता। बहुत ज्यादा हर्ट होने के बावजूद मुस्कुराने वाले लोग अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। लड़कियां इन लड़कों को पसंद करती हैं जिनका स्टेटस और इनकम हाई होती है। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं वो अक्सर आपको धोखा देते हैं। जो लोग ज्यादा देर तक जागते हैं वो ज्यादा तल्खी जहीन और जिंदगी के फैसलों में बेहतर होते हैं। जो लोग ज्यादा देर तक सोते हैं वो लोग हिसाबी कमजोरी में मुंतकला हो जाते हैं। ज्यादा देर तक तन्हा रहना आपकी सेहत के लिए इतना ही बुरा है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। रोने वाले लोग अक्सर ना रोने वाले लोगों से ज्यादा मजबूत होते हैं। खुश रहने का सबसे अच्छा सूल ये भी है कि जहाँ लगे आपकी जगह नहीं वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। लहजे और लफाज की खूबसूरती वो खसूसियत है जो आपको अनदेखे इंसान का दीवाना बना देती है। खलूस और इज्जत बहुत नियाब तोहफे हैं इसलिए हर किसी से उम्मीद ना रखो। गुना के बहुत कम लोग दिल के बहुत अमीर होते हैं। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर तन्हा होते हैं। बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग आस्ता आस्ता डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमेशा धोखे के बारे में सोचते हैं और झूठ बोलने वाले समझते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा सोचने से हमारा दिमाग हमें गुजरे हुए तकलीफ दे लम्हा और वाकया याद दिलाता है। इन लोगों के बाल बहुत जल्द सफेद और उम्र घटने लगती है जो गुजरी जिंदगी को याद करके पछताते हैं। किसी बेवफा के साथ कोई और बेवफाई कर जाए तो उसे माजी का वफादार बड़ी शिद्दत से याद आने लग जाता है। जिस औरत की जिंदगी में एक से ज्यादा मर्द होते हैं उसमें ये आदत होती है कि वो खूब लापरवाही और नजरअंदाज करती है। एक ही करवट पर ज्यादा सोने से कमर के दर्द की शिकायत हो सकती है। माश की दाल खाने से शुगर से बचे रहोगे। सादा पानी से दवाई खाएं असर करेगी। भूलकर भी इन फलों को खाकर पानी मत पिए। केला खाकर पानी पीने से मना किया गया है। अमरूद खाकर पानी पीने से गैस बनती है। अनार के बाद पानी पीने से उल्टी हो सकती है। मौसमी नाशपाती तरबूज संतरा खाने के बाद भी पानी पीने से मना किया जाता है। अगर कीमे की डो सख्त होगी तो कोफ्ते भी सख्त होंगे इसलिए कीमा नरम पीसे ताकि नरम रहे। रात को उल्टा सोने से मर्दाना ताकत में कमी आती है। ज्यादा गर्म चीज खाने से बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। तकिए के बगैर सोने से कमर में मजबूती आती है। गीले तवे पर रोटी पकाने से रोटी कच्ची नहीं रहती। तवे पर थोड़ा सा नमक लगाने से रोटी नहीं फटती। अमरूद के बीज खाकर हम बिस्तरी करने से हमल जल्दी ठहरता है। हार मुंह लहसुन की खुशबू सूंघने से चेहरे पर जुलिया नहीं पड़ती। जैतून के तेल में अजवाइन डालकर दांतों पर लगाने से दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। हमल गिरने का खतरा हो तो इस्तकबोल में बादाम डालकर खा लो। नीम के पत्तों के तेल की मालिश जोड़ों के दर्द में मुफीद होती है। दूध की मलाई चीनी डालकर खाने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है। करेले की खुशबू सूंघने से खून साफ होता है। गर्म रोटी मछली के साथ खाने से पेट में कीड़े पैदा होते हैं। जब भी घर में गोश्त बनाए तो गोश्त की हड्डियां बाहर फेंक दें। हड्डियां घर में पड़ी रहने से जिन्नात आते हैं। जीरे को मसलने से हाथ काला हो जाए तो जीरा मिलावट शुदा है। अखरोट खाने से फलेरी के सफेद दाग खत्म हो जाते हैं। बैंगन को निगारों पर भूनकर खाने से छातियां खूबसूरत और बड़ी हो जाती हैं। औरतों को सदियों तक जवान रखने वाले टोटके किशमिश खाने का मूल बना लें। तुक मलंगा रोज पानी में डालकर पिए। इसबोल का छिलका रोज दूध में डालकर पिए। रोज खाने से पहले एक अदद खीरा खाएं। बकरी का दूध इस्तेमाल करें। भुने हुए चने रोज खाएं। हसद बुजद रंजोगम बदन को फैला देते हैं। खाना हमेशा हंसी खुशी खाने से जल्दी हजम हो जाता है। दिल की धड़कन तेज होती हो तो सोते वक्त ठंडे पानी में पैर भिगोएं। पेशाब करते वक्त बात करने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। खाने से सांस फूलने की बीमारी दूर होती है। गरम गरम रोटी खाने से जहन कमजोर हो जाता है।
तेजी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारी हो जाती है। रोजाना चहलकदमी करने से आप पेट की और शुगर वगैरह जैसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जो औरत कमर के बाल सोने की आदि हो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना आपको को ढीला कर देता है। मनफी सोच रखने से उम्र जल्दी डल जाती है। चेहरे की झुर्रियां गायब करने के लिए नीम गर्म दूध में अंडे की जर्दी घोल कर पी जाओ, चंद दिनों में चेहरा जवान नजर आएगा। केला खाने से दिमाग तेज हो जाता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाया करो। जो गोश्त ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके बदन की जिल्द लटक जाती है। जोर लगाकर पकाना कभी मत करें, इससे आपके पसाने को नुकसान पहुंचेगा। इमली का बीज सांप के जहर को भी खत्म कर देता है। साइंसदानों के मुताबिक ट्रेज में बैक्टीरिया के मरने की जमानत दी जाती है। आपको सिर्फ चीज को एक बैग में मजबूती से पैक करने की जरूरत है ताकि बैक्टीरिया पूरे फ्रीजर में ना रेंगे, और ऐसा करने से आप बैक्टीरिया से पैदा होने वाले तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं। सूखे धनिये की फक्की बनाकर खा लेने से खांसी दूर हो जाती है। आंसू पीने से कब्ज की शिकायत नहीं होगी। पानी पीकर फौरन लेटना चाहिए वरना दिमाग को नुकसान हो सकता है। अच्छा दूध पिया करो, ये हड्डियों को मजबूत करता है। शाम के वक्त चावल इस्तेमाल करने से बदन की चर्बी तेजी से बढ़ती है। शैम्पू वाले पानी से फर्श को धो लिया जाए तो फर्श चमक जाता है। औरत का देर तक जागना मना है। शैतान जिस जगह कूड़ा रखा हो उस जगह पर रहता है। तली हुई चीजें खाने से मुंह पर दाने निकल आते हैं। ठंडा पानी ज्यादा इस्तेमाल करने वाला जोड़ों के दर्द में मुंतकिला हो जाता है। ज्यादा चीनी वाली चाय पीने वाले लोग जल्दी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। सर का दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाओ। लोहे की कुर्सी पर ज्यादा देर टेक लगाकर बैठने से मोरों के दर्द का मसला हो जाता है। साइकिल चलाने वाला जल्दी बूढ़ा नहीं होता। खीर बनाने से पहले बर्तन में पानी डालकर उबाल लेने से खीर उस बर्तन में नीचे से नहीं लगेगी। अगर आप दिमक से परेशान हैं तो ऊंट की हड्डी को अपने सेहन में गाड़ कर रख दो। अगर दिमक है तो घर से खत्म हो जाएगी। अगर ताले वगैरह पर जंग लग जाए तो मिट्टी के तेल में डुबोने से जंग उतर जाता है। अचार में तेज नमक डालकर रखने से अचार कभी खराब नहीं होता। कपड़े को गर्म पानी में डुबो कर जाले उतारे, जाले दोबारा नहीं लगते। मछली खाने से बाल लंबे होते हैं। अगर किसी चीज पर रंग लग जाए तो खट्टी दही उसके ऊपर लगाने से रंग उतर जाता है। हार मुंह दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। जो औरत ख्वाब में खुले बाल देखे उसकी जल्दी शादी होने वाली है। बाल के पेट सोने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। कंधा झुकाकर बैठने से पट्ठे कमजोर हो जाते हैं। ज्यादा मीठा चेहरे पर झुर्रियां ले आता है। नमक का ज्यादा इस्तेमाल हड्डियां कमजोर कर देता है। जो मर्द हजरात गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके बदन की जिल्द लटक जाती है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लें या अपने जिस्मानी असर को ढीला छोड़ दें या फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। थर्मास में चाय डालने के बाद अगर इसे साफ न किया जाए तो इसमें बदबू आने लगती है। इस बदबू को दूर करने के लिए थर्मास को सिरके से धोया जाए। अगर किसी इंसान के जिस्म पर तेजाब गिर जाए तो जिस्म के उस हिस्से पर फौरन दूध डाला जाए। जब तक दूध फटना खत्म ना हो डालते रहें। ऐसा करने से जिस्म पे जख्म तो दूर की बात, निशान भी नहीं रहेंगे। अगर आप सोने से पहले कुछ पढ़ें तो आपको सुबह जल्दी याद होगा। अगर आप मेहंदी का रंग तेज लाना चाहते हैं तो थोड़ी सी इमली थोड़े से पानी में भिगो कर इमली के पानी को बारीक कपड़े से छान कर मेहंदी में घोल लें और 10 मिनट बाद लगाएं, रंग गहरा आएगा। बरबच्ची खाने को मक्खियों से महफूज रखने के लिए झाड़ पोंछ के बाद नमक और कपड़े वाला सोडा डालकर गर्म पानी से धोएं। इस तरह से घी वगैरह से जमी हुई चिकनाई भी साफ हो जाएगी और मक्खियां भी नहीं आएंगी। खरबूजे के बीज छील कर पानी में पीस लें और चेहरे पर लेप करें, चेहरा शादाब हो जाएगा। ठंडा पानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जैसे ठंडा पानी दिल की चार रगों को जोड़ देता है, दिल की असली रग को भी बंद कर देता है। हार्ट अटैक का सबब बनता है। पानी में हार्ट अटैक ठंडे मशरूबात के सबब बनते हैं। ठंडा पानी मेदे और बड़ी आंत को भी नुकसान पहुंचाकर कैंसर का सबब बनता है। रोजाना सुबह लहसुन के 2 जुए 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। शहद को सिरके में घोलें और कूलियां करें, दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। बच्चों के लिए घर में बनाए जाने वाली चिप्स के आलू काटने के बाद अगर उनको थोड़ी सी फटकरी मले पानी में डालकर धो लिया जाए तो फिर चिप्स सफेद रहेंगे।
काले नहीं होंगे। जैतून के तेल को सुरमे की तरह लगाने से आंखों में चमक आ जाती है। अगर कोई मुराद पूरी नहीं होती तो सूरह यासीन की तलावत करें, हर मुराद पूरी होगी। अगर अपनी आम तवे को नॉन स्टॉक तवे में बदलना है तो आलू या प्याज के एक टुकड़े को पहले हल्की गर्म तेल में भुनाएं, फिर इसमें नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह से रगड़ें। कपड़े धोने से पहले इनके बटन और जिप लगा दें ताकि वो आपस में ना उलझे। कपड़ों को बेरंग होने से बचाने के लिए इन्हें उल्टा करके धोएं और सुखाएं। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला लें, इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। अगर आपके घर में चूंटियां और कॉकरोच बहुत ज्यादा हैं तो इनसे छुटकारा हासिल करने का आसान तरीका ये है कि फर्श पर चाक से लकीर देखें, चूंटियां और कॉकरोच गायब हो जाएंगे। फ्रिज से अगर सब्जी और फलों की भूख खत्म करना हो तो इसमें एक नींबू काट कर रख दें या फिर एक अदद बुझा हुआ कोयला रख दें, वो खत्म हो जाएगी। अगर आपका चांदी का जेवर काला हो गया है तो उस पर टूथपेस्ट लगाकर अच्छी तरह से मले, जेवर साफ हो जाएगा। सर दर्द का बेहतरीन इलाज ये है कि एक नींबू लें, इसे काटें, फिर इसको अपनी पेशानी पर मले, सर दर्द ठीक हो जाएगा। घर में बची हुई कॉफी को जाया करने की बजाय लोन में पौधों में डाल दें, ये बहुत अच्छी खाद का काम करती है। अगर नींबू का ज्यादा रस हासिल करना चाहते हैं तो इसे ओवन में हल्का सा गर्म कर लें या फिर गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख दें। लेदर के फर्नीचर पर स्याही के सख्त धब्बे लग जाएं तो इन्हें नेल पॉलिश रिमूवर से साफ किए जा सकते हैं। खाने से पहले हमेशा थोड़ा सा नमक चखने की आदत डाल लें, इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। अगर आप मच्छर के काटने की वजह से तकलीफ दे खारिश का शिकार हैं तो इस जगह पर थोड़ा सा साबुन लगाएं, खारिश फौरन गायब हो जाएगी। मौसम गर्मा में अक्सर आलू मीठे आते हैं और सालन का जायका खराब हो जाता है, लिहाजा आलू काट कर इनमें खूब लहसुन और सिरका लगाकर रख दें। एक घंटे बाद सालन पकाएं, आलू मजेदार हो जाएंगे। प्लास्टिक के बर्तनों की पिलाहट दूर करने के लिए बर्तनों में मीठा सोडा लगाकर प्लास्टिक की थैली में एक घंटे के लिए बंद करके रख दें, फिर नींबू और सिरके से धो लें। नाखूनों को टूटने से बचाने के लिए मेहंदी के पत्ते लेकर पीस लें और जरा से मक्खन में मिलाकर रात को नाखूनों पर लगाएं, नाखून टूट कर नहीं गिरेंगे और बुरापन भी दूर हो जाएगा। आलू के चिप्स बनाते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी फरकरी डाल दी जाए तो चिप्स खास्ता और करारी हो जाएंगी। हाथों से लहसुन प्याज और मिर्चों की बू दूर करना हो तो फौरन हाथों पर टूथपेस्ट मल लें, मसालों की तेज महक दूर हो जाएगी। अगर नरम रोटी बनाना मकसूद हो तो आटे को लस्सी से गूंदें, इससे खमीर उठेगा और रोटी बेहद नरम बनेगी। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर एटॉमिक पाउडर डाल दें, चाय का रंग कपड़ों पर नहीं आएगा। अरबी या भिंडी काटने से पहले हाथों पर सरसों का तेल लगाने से खारिश नहीं होगी। स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर को किसी भी रुई या कपड़े पर लगाकर साफ करें तो वो चमक उठेगा। बच्चों को अगर रैशेज हो जाए तो खुश्क मकई का आटा लगा दें तो फौरन ठीक हो जाएंगे। सब्ज मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर उनके ऊपर वाली डंडी उतार दें, इस तरह करने से मिर्च काफी वक्त तक ताजा रहेगी। शीशे के बर्तन में गर्म दूध या गर्म पानी डालने से पहले एक चम्मच रख दें। 1000 के करीब ख्याल एक दिन में इंसानी दिमाग में आते हैं। कसरत से झूठ बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने में माहिर होते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक आंखें बंद करने से भूली हुई बातें याद करने में मदद मिलती है। आपका दिमाग आपके टच को पहचानता है, लिहाजा कभी भी खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे तो अपने आप को चूंटी से काटें। साइंसदानों का कहना है कि ऊंट के दूध से दही नहीं बना सकते जब तक इसमें बकरी, भेड़ या फिर भैंस का दूध शामिल ना किया जाए। जागते हुए कोई भी काम करते वक्त आपके दिमाग की एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी सोते वक्त, ख्वाब देखते वक्त होती है। 6 दिन तक अपना सांस रोक सकता है। सोने से पहले आपका 90% दिमाग इन चीजों का तसव्वुर करना शुरू कर देता है जो आप करना चाहते हैं। मुसलसल नींद में किसी के बारे में ख्वाब देखना इस बात की निशानदेही कर सकता है कि वो दर हकीकत आपको बहुत याद कर रहा है। जब आपका कोई जानने वाला आपके ख्वाबों में नजर आए तो शख्स ने सोने से पहले आपके बारे में सोचा होगा।
जो लोग तेज रफ्तारी से चलते हैं वो आमतौर पर सुस्त रफ्तारी से चलने वाले लोगों के मुकाबले में ज्यादा पुरअतमाद और खुश नजर आते हैं। ख्वाब देखना बुरी यादों के असरात को कम करने में मदद देता है। साइंसदानों ने दरख्त किया है कि अच्छी तरह से आराम करने वालों का चेहरा नींद से महरूम लोगों से ज्यादा जवान और पुरकश लगता है। जो लोग ज्यादा हंसते हैं इनमें दर्द बर्दाश्त करने की असलियत ज्यादा होती है। अगर आप काम के दौरान वक्त लें तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। हम अपने दिमाग को कभी भी 100% लापरवाह नहीं बना सकते। दिमाग के कुछ हिस्से हमेशा अपने तीन चौकस रहते हैं। दिल का मोहब्बत से कोई तल्लक नहीं है। मोहब्बत हमारे दिमाग में होने वाले कीमियाई रद्द अमल का नतीजा है। जो लोग मिजाज या तन को समझने की अच्छी सहलियत रखते हैं वो लोगों की जहन पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। रोने के बहुत फायदे हैं। ऐसा करने से आप तनाव को कम कर सकते हैं और आपके जिस्म को सेहतमंद रखने में भी मदद मिलती है। जो लोग रोते नहीं लेकर आंसू बहाते हैं वो दरअसल रोना फजूल समझते हैं और ऐसे लोगों का काफी पुरअतमाद होते हैं। जो लोग रोते वक्त इधर उधर देखते हैं वो दर हकीकत लोगों को तवज्जो दिलाकर एहसास दिलाना चाहते हैं। जब आप किसी प्यारे को याद करने लगते हैं तो आपका दिमाग अचानक दास होने लगता है। अगर कोई हर वक्त आपको घूरते हुए नजर आए तो वो आपसे मोहब्बत या नफरत करता है। कुछ गाने इंसान को इसलिए पसंद आ जाते हैं कि आप उन गानों को अपनी जिंदगी के जज्बाती वाकयात से जोड़ते हैं। जो लोग अहम काना सवालात पर फौरी रद्द अमल जाहिर करते हैं वो ज्यादा ज़हीन होते हैं। आपको इन चीजों का जुनून है जिनकी आपको कमी महसूस होती है। जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। एक झूठ हजार सच को खराब कर देता है। हमेशा सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानी से निजात मिलती है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। कभी भी अपनी जबान से किसी के ऐब बयान ना करो। चूना के ऐब तुम में भी हैं और जबान लोगों की भी। अपने साथियों को बुरा कहने वाले दोस्त पर कभी भरोसा ना करें। हमेशा वो रास्ता मुंतखब करें जो अच्छा लगता है चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अगर किसी ने गलती की है और उससे दुरुस्त करने में नाकाम रहा तो उसने उससे भी बड़ी गलती की है। अंधेरे में दोस्त के साथ चलना रोशनी में अकेले चलने से बेहतर है। या तो जीने में मसरूफ हो जाओ या फिर मरने में मसरूफ हो जाओ। ऐसे गाएं जैसे कोई नहीं सुन रहा। ऐसे प्यार करें जैसे आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसे नाचें जैसे कोई नहीं देख रहा। और ऐसे जियो जैसे जमीन पर जन्नत है। अकलमंद का मकसद खुशी को हासिल करना नहीं है बल्कि दर्द से बचना है। तनकीद ऐसी चीज है जिससे हम आसानी से बच सकते हैं। कुछ ना कहकर इंसान मुख्तलिफ तरीकों के बावजूद गलत हो सकता है और सही सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। यही वजह है कि नाकाम होना आसान और कामयाब होना मुश्किल है। हम दर्द के बगैर कुछ भी नहीं सीख सकते। वो माशरा जो माजी पर अपने ग्रिफ खो देता है खतरे में है। ना कि वो ऐसे आदमी पैदा करता है जो हाल के सिवा कुछ नहीं जानते। एक आजाद सोच रखने वाले बने और जो कुछ भी आप सुनते हैं इसे सच समझ के कबूल ना करें। पाँव के बगैर दरिया की गहराई को सिर्फ बेवकूफ ही जानता है। झूठे इंसान को अच्छी जायदाश की जरूरत होती है। जो अच्छी शुरुआत करता है वो कामयाबी का आधा रास्ता तय कर लेता है। मुश्किल वक्त इंसान को वो सिखाता है जो इंसान आम हालात में भी नहीं सीख सकता। जो शख्स थोड़े पे सब्र नहीं करता वो हमेशा गरीब रहता है। इंसान इन चीजों से बचता है जो उसकी आंखों के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन इन चीजों से दूर नहीं रहता जो उसके दिमाग को मुतासर करती हैं। चाहलों से झगड़ने से बेहतर है खामोश रहना। अगर आपसे पूछा जाए कि खामोशी क्या है तो जवाब दें ये हिकमत के मंदिर का पहला पत्थर है। इसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो। इस तरह से सीखें जैसे आप हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आप बड़े काम नहीं कर सकते तो छोटे कामों को बड़े तरीके से करें।
इस वक्त तक ना सोएं जब तक आप अपने जहन में तीन बातें ना दोहरा लें, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या करना भूल गया।